रामू प्रमंडल से जुड़ी सभी ताजा तरीन खबरों के लिए सिर्फ एक ही जगह बंसीधर न्यूज। और बंसीधर न्यूज अब यूट्यूब पर भी, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि पलामू से जुड़ी सभी ताजा तरीन खबरें सबसे पहले पहुंचे आपके पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसीधर न्यूज। प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा एसडीओ प्रदीप कुमार ने कोरोना को लेकर किए गए लॉकडाउन को सख्ती से अनुपालन कराने को लेकर गढ़वा जिला मुख्यालय के अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। निषेधाज्ञा 31 मार्च तक लागू रहेगा। एसडीओ ने कहा कि निषेधाज्ञा के दौरान आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि जरूरी चीजों से जुड़ी मेडिकल, किराना, सब्जी, दूध को छोड़कर शेष सभी दुकान, बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान, फैक्ट्री, वर्कशॉप, ऑफिस, गोदाम, साप्ताहिक बाजार, ये सब पूरी तरह से बंद रहेंगे। प्राइवेट बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, रिक्शा, ई रिक्शा सब बंद रहेंगी। निषेधाज्ञा के दौरान 5 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णतया निषेध रखने का निर्देश दिया है। एसडीओ ने अनुमंडल वासियों से निषेधाज्ञा का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आवश्यक रूप से बाजार में पाए गए जिसके कारण 144 लागू किया गया और साथ में अभी हम लोग स्थितियों के साथ हम लोगों ने बाजार का दौरा भी किया है और सभी लोगों को इसने समझाया है कि अपने अपने घरों में रहें क्योंकि कोरोना का जो वायरस है वर्तमान समय में वो कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए हम लोग लोगों को समझा भी रहे हैं, अभी मैं अनाउंसमेंट भी करा रहा हूँ कि अनावश्यक रूप से कोई भी बाहर नहीं निकले, जो आवश्यक चीज़ें हैं उसे खरीद करके अपने घरों में रहें ताकि इसका जो प्रभाव है वो फैले नहीं और स्वयं ये खुद ब खुद समाप्त हो जाए। इसलिए लोगों को हम लोग समझा रहे हैं कि अनावश्यक रूप से नहीं वो यात्रा करें, नहीं घर से बाहर निकले, सभी लोग अपने घरों में रहें और जो बताया जा रहा है कि जैसे गर्म पानी का सेवन करें, खाना गर्म खाएँ, मास्क लगा के घूमें, कहीं भी जा रहे हैं यदि आवश्यक पड़े तो मास्क लगा के जाएं, तो इससे हम देखेंगे कि कोरोना का जो खतरा है वो कम से कम लोगों तक पहुँचे, इकट्ठा नहीं हो। ऐसे हम लोगों ने यहाँ अब तो 144 की बात ना कहकर हम लोग सबको कह रहे हैं अपने घर में रहें, सभी लोग अपने घर में रहें, जब अनिवार्य आवश्यकता हो तभी वो घर से बाहर निकले।